इस वीडियो में आज आप लोग को बताऊंगा कि वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की पेपर कैसे आता है, जो छात्र इस साल एग्जाम देने वाले हैं फर्स्ट ईयर का अपना आईटीआई का, उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। क्योंकि दोस्तों मैं आज सेमेस्टर सेकंड का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर लेकर आया हूँ, वो भी फुल्ली सॉल्व्ड। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक बताऊँगा आप लोगों को कि किसका किसका क्या आंसर है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और सब कुछ मैं डिटेल्स बताऊँगा। अगर जो सेमेस्टर फर्स्ट का नहीं देखे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन का, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक, जाकर वहां से देख भी सकते हैं। या ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करेंगे, यहां पर आई बटन के सामने भी आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी वहां से आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। दोस्तों जाइए उसको भी देखिए और इसको भी अच्छे से आप पढ़िए, सब कुछ मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू किया जाए इसमें वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आ रहा है इसमें से देखिए पूछ रहा है कि 10 45 और cot 45 का मान क्या होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सॉल्व करके इसको लाया हूँ, आपको दिखाता हूँ 10 45 और cot 45 का मान जो होता है एक होता है। दोस्तों जब आप 10 45 को एक बटा cot 45 को लिखेंगे एक बटा इस तरह आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। जब आप उसको ऐसे लिख देंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 10 10 कट जाएगा और क्या आएगा आपका एक आ जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10 45 का मान आपका एक हो जाएगा। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, उसमें पूछ रहा है क्या वृत्त की परिधि को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों वृत्त की जो परिधि होती है, सर्किल की जो परिधि होती है, उसको दर्शाया जाता है ए बी दोनों से। क्योंकि दोस्तों देखिए इसका मैं आंसर लगाया हूँ, बहुत लोग इसको कन्फ्यूजन थी इसमें। तो देखिए दोस्तों जो आपकी वृत्त की परिधि है उसको आप पाई डी से भी लिख सकते हैं या फिर आप उसको 2πr से भी लिख सकते हैं। जो उसका सरगम्फ्रेंस होता है यानी कि परिधि जो होती है, पाई डी से लिखेंगे तब भी वही बात है, 2πr से लिखेंगे तब भी वही बात है। इसमें दोनों ऑप्शन दिया है तो दोनों ऑप्शन दिए मतलब इसमें ए और बी दोनों होगा, यानी कि आंसर सी वाला सही होगा। अब दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है उसमें पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका शीर्ष लंब के आधार का 2 गुना है, तो उसके आधार की लंबाई की क्या मान होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज का जो फार्मूला होता है वो होता है A=B×H। क्या होता है दोस्तों, A×B×H। दोस्तों जब आप उसकी एरिया 72 सेंटीमीटर दे दी गई है तो उसके नीचे हम उसकी एरिया लिख दे रहे हैं और फिर उसके नीचे दोस्तों दिख रही है उसकी हाइट, जो बोल रहा है कि उसके बेस का 2 गुना हो जा रहा है। तो आप क्या कर देंगे, उसकी हाइट को 2H कर देंगे, बेस को S कर देंगे, एक्स मान लीजिए हम लोग मान लीजिए उसको, तो आपका 2x² हो जाएगा। 2x² होने के बाद आपका जब आप नीचे इसको करेंगे तो 72/2 हो जाएगा, जब इसको आप कटाएंगे तो आपका 36x² हो जाएगा, x x मिलकर x² हो जाएगा। और जब आप जानते होंगे 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का, तो दोस्तों 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो तीसरा का आंसर आपका 6 होगा। तो दोस्तों इसी तरह आपको समझ रहे होंगे अच्छे से, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते जाइए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इसमें कमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है पूछ रहा है वित्त और अर्धवित्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके लाया हूँ, आप भी इसको अच्छे से देख लीजिए। इसका आंसर जो होगा 2:1 होगा, आंसर बी वाला सही होगा। तो इसको मैं सॉल्व किया हूँ यहाँ पर हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वित्त का सर्किल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और जो उसकी एरिया अर्ध सर्किल का एरिया जो होती है वो आपकी 1/2πr² होती है। तो दोस्तों ऐसे आप कर देंगे, ऐसे करने के बाद उसका अनुपात पूछ रहा है, तो मैं उसको पाई आर स्क्वायर कर जब इसको आप ऊपर से इधर पलट देंगे आप, तो 2/πr² हो जाएगा, पाई स्क्वायर से कट जाएगा। दोस्तों आपका 1/2 आएगा, 1/2 क्या लिख सकते हैं, 2 1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका कौन सा सही होगा, इसका आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम आते हैं अपने चौथे पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन में जो पूछ रहा है एक वित्त का व्यास, एक कुएं के वित्तीय व्यास 2 मीटर और गहराई 14 मीटर है, तो इसका अर्थदैर्ध्य का आयतन क्या होगा, यानी कि जो उसमें से सारे उसके आयतन क्या होगा, कुएं का आयतन क्या होगा। दोस्तों जब कुएं का आयतन पूछा है तो इसका मैं सॉल्व करके लाया हूँ। तो देखिए इसका आंसर 44 होगा, सी वाला सही होगा पांचवें का। तो देखिए आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका जो डायमीटर दे दिया है, व्यास दे दिया है, 2 दे दिया है, तो आपको दो दे दिया है तो आप उसकी रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। जब उसको आप करेंगे तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। एक होने के बाद
आपकी हाइट दी है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो गया, आप पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितना होगा, उसका आयतन कितना होगा। तो आयतन का फार्मूला आप जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर एच, जब आप उसमें रख देंगे तो पाई का वैल्यू जो होती है 22/7 गुड़े आर का आर एक स्क्वायर हो जाएगा गुड़े 14 हो जाएगा। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 44। दोस्तों आप इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर सॉल्व किया हूँ, मेरा 44 आया है। देखिए दोस्तों इसका 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 44 घन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें देख लीजिए, यदि x प्लस वाई इजकल टू 18 और x माइनस वाई इजकल टू 2 है तो x और y का मान बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैं सॉल्व किया हूँ आप लोग के लिए, अच्छे से बना कर लाया हूँ। तो दोस्तों आप इसको लाइक करते जाइए और एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों देखिए छठवें का जो क्वेश्चन था ऐसे पूछा गया था कि x प्लस वाई इजकल टू 18 है और x माइनस वाई इजकल टू 2 है। तो दोस्तों आप इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे जो सॉल्व करने का मेथड इसका क्या होता है, आप ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आप माइनस लिख दीजिए, इसका विपरीत। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस था तो नीचे हम उसके माइनस कर दिए हैं, अब फिर देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस लिख दिए हैं, फिर दो के नीचे माइनस लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे देखिए, ये प्लस माइनस कट जाएगा और फिर देखिए वाई जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो हमारा 2y हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 18 - 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। दोस्तों मैं 16 हो गया, 2y = 16, तो y = कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, y = 8। अब फिर उसी तरह आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, जो समीकरण आप किसी भी समीकरण में रख देंगे y का मान, तो आपका x = 10 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सॉल्व मैं किया हूँ, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, बस घटाना ही है, इसको आप कर लेंगे। इसको करने के बाद सातवां क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो सातवां क्वेश्चन जो है निकल के आ रहा है, इसमें पूछ रहा है 2 × 0.2 × 0.2 × 0.22 × 20 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सब कुछ गुणा करना है, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व किया हूँ, तो दोस्तों सबसे सिंपल मेथड इसका होता है कि सबसे पहले आप जितने दो दो दिए हैं सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए दोस्तों 2 × 4 × 8 × 16 × 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले आप 32 लिख दीजिए, उसके बाद देखिए कितने पॉइंट इधर जीरो घसका है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट हो गया आपका, यहाँ पर देखिए आपका 2 पॉइंट हो गया, और फिर यहाँ 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गया। इसके आगे देखिए कहीं पर 0 पॉइंट नहीं लगा है, इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके आगे 0 लगा नहीं लगा है, इसको हम नहीं लेंगे। तो आप देखिए दोस्तों 3 हो गया, आप यहाँ 3 0 लिख दीजिए, 3 0 लिखने के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, उसके बाद 1 पॉइंट लगा दीजिए। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, या आप अच्छे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर जिसको जैसे करना हो भैया अपना कर लेगा, तो लेकिन आपको आंसर आना ही चाहिए। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। अब आठवें क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसमें इसको ऐड करना है यानी कि जोड़ना है, पूछ रहा है इन सब का योग क्या होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसका मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने पॉइंट के नीचे पॉइंट रहते हैं यानी कि जो दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को हरे रंग से, तो देखिए जो दशमलव के नीचे दशमलव होता है, यही तो इसका एक रूल होता है ऐड करने का। अगर दशमलव के नीचे दशमलव नहीं रखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप क्या करिए, चाहे छोटा हो बड़ा, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दीजिए। तो देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया हूँ, सब कुछ लिखने के बाद सबको आप ऐड कर दीजिए। देखिए 7 7 हो जाएगा, 5 × 2 = 7 हो जाएगा, और फिर ये आपका 16 हो जाएगा। तो आपका आंसर आप इसको जोड़ेंगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उसको फिर से सॉल्व करके बताऊंगा। अब दोस्तों हम आते हैं आप अपने 9वें क्वेश्चन पर। इसमें पूछ रहा है 10θ का रिसिप्रोकल क्या होगा। तो दोस्तों 10θ का रिसिप्रोकल होता है 1/10θ। अब 10वां क्वेश्चन जो है पूछ रहा है बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन जो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब आते हैं हम लोग अपने 11वें क्वेश्चन, पूछ रहा है बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो दोस्तों बर्फ की गुप्त ऊष्मा 120 कैलोरी होती है, इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अब आते हैं आप लोग 11वें क्वेश्चन पर। दोस्तों आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। ये पेपर मैं लाया हूँ आप लोग के लिए, जो सेकेंड सेमेस्टर के छात्र थे उन्हीं से लाया हूँ। दोस्तों 12वां क्वेश्चन जो है भार और उस भार का बल लगाकर उसमें विस्थापन में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा यांत्रिक लाभ, इसका आंसर यांत्रिक लाभ हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने हैं 13वें क्वेश्चन पर। किसी साधारण वेग व
धुरी का अनुपात ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बी वाला, पाई डी अपॉन डी। अब जो 14वां क्वेश्चन आ रहा है, पूछ रहा है एक समांतर परिपथ में 30 VCA की बैटरी 6 एम्पियर की विद्युत धारा से प्रवाहित हो रही है, तो अचानक उसमें प्रतिरोध बदल कर 2 एम्पियर कर दिया जाए तो फ्यूज क्या होगा? तो इसका फ्यूज आपका होगा खुला हुआ परिपथ होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, खुला हुआ परिपथ। अब 15वां क्वेश्चन जो है पूछ रहा है एक वोल्टमीटर को किसी परिपथ से जोड़ने के लिए निम्न मानकों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसका आंसर जो होगा आपका सी, परमिलिटी, परमिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। अब 16वां क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से विद्युत की राशि नहीं है, तो दूरी जो होती है विद्युत की मासिक नहीं है, तो देखिए वाला क्वेश्चन जो पहले मैं बताया हूँ सेमेस्टर एक और पेपर डाला था उसमें एक आंसर ये था, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था, तो क्वेश्चन जरूर जरूर मिल जाएगा आपको, आप एग्जाम देंगे तो कुछ इसमें आपका क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। अब आते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन पर दोस्तों, मैं 25 क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों के लिए क्योंकि पहले 25 ही क्वेश्चन होता था। अब देखिए 17वें क्वेश्चन पर ओम मीटर का उपयोग किसके मापन में होता है, तो इसका आंसर होगा विभवांतर के मापन में होता है ओम मीटर का प्रयोग। अब 18वां क्वेश्चन है एक समांतर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह का क्रम होगा, तो इसका होगा बैटरी फिर स्विच फिर लोड होगा। अब 19वां क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, देखिए 19वां क्वेश्चन का जो यहाँ पर देखिए पूछा गया है अंडर रूट 0.9 गुड़े अंडर रूट 1.6 का मान क्या होगा, तो दोस्तों मैं इसको सॉल्व किया हूँ तो इसका आंसर आया है 1.2। कितना आएगा 1.2, आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको आप अंडर रूट में कर देंगे, उसके बाद जब इसका गुड़ा करेंगे तो 144 आ जाएगा, यहाँ पर आप दसमलव लगा देंगे 2 प्लस इधर चला जाएगा, तो अब फिर इसको 144 का लिख सकते हैं आप हैं एक्स को गणी में 144/100, जब आप इसको लिखेंगे तो 12/10 आ जाएगा और उसको आप कर देंगे तो 1.2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर आपका होगा बी वाला 1.2 बी वाला होगा। दोस्तों बहुत से छात्रों ने इसको ऐसे सॉल्व करके एग्जाम में आया था, पूछा कि देखिए सर ऐसे सही होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों ऐसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन मैंने बहुत लोगों से पूछा तो लोग बोलते हैं कि इस तरह भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप 0.9 को क्या ले सकते हैं 0.3 और अंडर रूट 1.4 को क्या ले सकते हैं 1.4, जब इसको आप गुणा करेंगे तो इसका 0.12 आएगा। दोस्तों ये भी ऑप्शन में है तो दोनों क्वेश्चन का सही होना चाहिए, पर जो मैं आंसर की मिलाया हूँ तो उसमें 1.2 ही दिया था, तो इसीलिए मैं 1.2 को ही सही मानूंगा, लेकिन दोनों तरह से आंसर किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें आपका आंसर 1.2 ही होगा। अगर आपको कुछ और शंका हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दें, मैं उसको अच्छे से और देखता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, आप भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब 20वां क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें पूछ रहा है कि अल्कोहल का क्वथनांक 78°C है तो केल्विन पैमाने पर इसका तापमान होगा, तो दोस्तों इसका आंसर सी वाला होगा 251 केल्विन। अब मैं भी इसको सॉल्व किया हूँ तो इसका आंसर आया है अच्छे से, तो देखिए यहाँ पर सेल्सियस का मान दिया है 78 सेंटीमीटर और इसका जो फार्मूला होता है C/100 = K-273/100, तो इसको आप इसमें रख देंगे, C का मान 78 रख दिए हैं, K-273/100, देखिए 100 से 100 कट जाएगा नीचे नीचे वाला, 78 = K-273 हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे इधर लाकर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, जब इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा K = 351 केल्विन, तो इसका आपका आंसर देखिए आया है सी वाला। अब आते हम लोग हैं 21वां क्वेश्चन पर, पूछ रहा है कि एसी सप्लाई में 1 सेकंड में होने वाले चक्रण की संख्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा आवृत्ति, क्या होगा इसका आंसर आवृत्ति होगा। अब देखिए 22वां क्वेश्चन जो है 1 + 10²θ = क्या होता है, तो 1 + 10²θ = sec²θ होता है, ये आपकी एक फार्मूला होता है। अब दोस्तों हम आते हैं 23वां क्वेश्चन, पूछ रहा है sin²45 + cos²45 का मान क्या होता है, तो दोस्तों इसका मान होता है 1, तो दोस्तों मैं आपको दिखाता भी यहाँ पर हूँ, तो देखिए sin²θ + cos²θ = 1 होता है, तो दोस्तों इसी प्रमाण पर भी रख दिया है, बस यहाँ पर थीटा की जगह 45 रख दिया है और यहाँ पर थीटा की जगह 45 रख दिया है, तो दोस्तों sin²45 cos²45 = इसका भी मान तब क्या होगा 1 ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, ए सबका सही होगा 23 का ए। अब 24वां जो पूछ रहा है cosec²(0° का मान क्या होगा, इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं इसका मान होगा,
अब 25वां क्वेश्चन जो है पहिया और धुरी का उदाहरण होता है, तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा आपका साधारण मशीन होता है, साधारण मशीन। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे फिर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों अगर आपको पार्ट वन नहीं मिला हो इसका सेमेस्टर फर्स्ट का, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जा आप इसको देख लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।